गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो होली चली गई, होली जा चुकी है और उसके बाद होली के बाद बहुत सारी थकान हो जाती है। पूरा घर को क्लीन करना, ये वो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं क्योंकि घर बहुत गंदा हो जाता है। तो वो सब मेरा हो चुका है और अभी शाम का टाइम है। मैं शाम से ही आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि सारा दिन बहुत काम था तो मैं थोड़ा थक गई थी। तो आज शाम से शुरू कर रही हूँ। शाम को मुझे थोड़ा सा ऊपर गार्डन में अपने काम था, तो उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने गार्डन को पूरा क्लीन कर दिया। मैं उसमें सीड डालूंगी, तो मैंने कुछ सीड्स मंगाए हैं, मैं वो दिखाती हूँ। उसमें से कुछ विंटर के सीड्स हैं, कुछ समर के सीड्स हैं। वो लोग तो सारा मिक्स करके दे देते हैं। तो यहाँ पे नैतिक सबको देख रहा है कौन सा फ्रूट का है, कौन सा वेजिटेबल का है, सबको लगा रहा है टेबल में। और फिर मैं देखती हूँ उसमें से कौन सा अभी लग जाएगा। तो इसमें से एक ये है पम्पकिन, ये वाला मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और ये बीन्स भी है। तो ये दोनों तो अभी लगेंगे क्योंकि ये अभी मार्च के महीने में ये ज़्यादातर लगाए जाते हैं, बीन्स, कद्दू। और इसमें मैं अभी लगाऊंगी कुकुम्बर, उसके बाद मैं लगाऊंगी नहीं वहीं रखो उसको, और उसके बाद मैं यार दिमाग इन सब में से मैंने ले लिया ये कद्दू का बीज है, और ये शिमला मिर्च है, और ये बैंगन है, और ऐसी और ये लौकी भी है। इतना ज़्यादा स्पेस तो है नहीं गार्डन में, बस थोड़े से ही सीड चाहिए हैं, चाहिए थे मुझे जो मैंने ले लिए। और नैतिक भी मेरी हेल्प करेगा। नैतिक आप मेरी हेल्प करोगे? अरे मैं इसको मिक्स नहीं कर रहा हूँ, बता किस लिए, जो मुझे पसंद है ना वो ले रहा हूँ। आप मेरी हेल्प करोगे? नहीं करूँगा। क्यों? पिल्लू। आप हेल्प करोगे ना मेरी? हाँ। सारी मत ले जाओ, ये सारी नहीं लगानी अभी। अरे मम्मी अगर अगर तुम मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो मुझे सुंदर दिखा के घर लेके जाओगे? ठीक है। तो गाइज मैं आ गई हूँ छत पे, और छत पे आज मेरे को लगाने सीड, जैसा कि मैंने बताया था, ये सारे फूल हैं। और नैतिक भी यहाँ पे साइकिल चला लेगा। तो गाइज देख सकते हैं आजकल मेरे गमलों में बहुत अच्छे अच्छे फूल आ गए हैं ये। और ये उस दिन मैंने पूरा अपने गार्डन में से सब निकाल दिया था, और पुदीना भी मैंने एक दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया था, तो वो अब सही हो गया है। और बंदर भी आ जाते हैं ज़्यादातर यहाँ पर, फूल तोड़ देते हैं। आजकल फूल अभी थोड़ा अच्छे हो रहे हैं, आजकल बंदर आए नहीं है। और ये जो भी पुराना सूख गया था इसको मैंने सारा जला दिया है, जला के जो राख होगी तो वो भी मेरे खाद के काम आ जाएगी। उसके बाद नैतिक भी यहाँ पे लगा हुआ है मिट्टी से खेलने में, अच्छा लग रहा है इसको मिट्टी से खेलने में। तो इसके बाद जलाने के बाद मैंने पूरी मिट्टी और खाद, जो भी जली हुई खाद थी, उसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो वो अच्छी खाद बन जाएगी मिट्टी के लिए, पौधों के लिए। तो इसलिए मैंने इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद मेरी खाद थोड़ी रखी हुई थी, मेरे हस्बैंड लेके आए थे खाद, वो गोबर वाली खाद थी, काफ़ी पुरानी हो गई है। तो मैंने सोचा अभी प्लांट, ये पौधे डाल रही हूँ, सीड डाल रही हूँ, तो क्यों ना ये सारी खाद मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो पूरे जितना भी मेरा वो स्पेस है मिट्टी वाला, उसमें मैंने ये पूरी खाद डाल दी। खाद डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा पानी से इसको गीला कर लिया ताकि इसमें नमी बनी रहे जब मैं सीड डालूँ। तो उसके बाद मैंने सीड डालना स्टार्ट कर दिया। इसमें सबसे पहले मैंने बीन्स डाले। बीन्स को ऐसे मैं लाइन से ऐसे करके लगा रही हूँ, और जितना भी मैं सीड डालती हूँ तो टचूट ये सारे निकल ही आते हैं जितना भी मैं इसमें डालूंगी। तो इसमें तो बहुत सारे सीड हैं, इतना तो आ नहीं पाएगा, इतना स्पेस नहीं है मेरे इसमें। और अब ये मैं धनिए को मैं थोड़ा इसकी सीड को थोड़ा मसल लूँगी, क्योंकि दो पीस अगर धनिए के हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया साइड में, गर्मी का सीज़न है तो धनिया भी बड़ा महंगा होता है, तो वो अभी मेरे गार्डन में हो जाता है, भले ही कम होता है पर हो जाता है। ये शिमला मिर्च के सीड हैं, अभी मैं इनको उगा लूँगी पौधे, बाद में फिर इनको मैं अलग कर दूँगी अभी, अगर जब पौधे इसमें हो जाएंगे तो। और उसके बाद मैं खीरे के सीड हैं, ये खीरा लगा दूँगी साइड में। साइड में इसलिए लगा रही हूँ कि ताकि जब इसकी बेल बनेगी तो उसमें मुझे साइड में लगाने के लिए कुछ साइड में लगा दूंगी तो बेल बन जाएगी। उसके बाद पूरा जब मेरे मैंने सारे मैं डाल दी थी सीड के बाद में, इसको ऊपर से हल्का हल्का पानी से कर देती हूँ क्योंकि अभी पानी भी आया हुआ है अंदर। तो पूरे गार्डन को मैंने हल्का सा पानी डाल के थोड़ी सी नमी कर दी है। और फाइनली गार्डन का काम मेरा हो चुका था। फिर मैं आ गई नीचे, नीचे आके मेरे हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से। अब शाम का टाइम है, रात का हुई 7:30। मैंने पूजा वगैरह करके फिर अपने लिए, फिर हम दोनों के लिए चाय बनाई मैंने। और अब आज डिनर में मैं बना रही हूँ अंडा करी, तो उसके लिए मैंने एग रख दिए बॉयल होने के लिए। और एग बॉयल करने के लिए मैं ये रख देती हूँ जब तक मेरी चाय भी बन रही है वहाँ पे, तो साथ साथ ही दोनों काम हो जाएंगे। चाय भी बन रही है और एग भी रख देती हूँ मैं।
उसके बाद जब तक मेरे एग बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं मसाला काट लेती हूँ यहाँ पे। मसाले में वही टमाटर प्याज अदरक लहसुन वगैरह, तो ये सब काट के रख दूँगी। फिर जब तक चाय पीऊँगी तो मेरा एग तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरा मसाला भी कट रहा है। उसके बाद फिर मैं आटा लगाऊंगी और फिर रात के खाने की तैयारी चल रही है फिलहाल अभी। तो मेरे एग भी बॉईल हो चुके हैं। एग को छील के साइड रख देती हूँ मैं। एग को छीलने के बाद फिर मैं बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँगी। और साथ में यहाँ पे मेरा कॉल भी आया हुआ है, तो मैं कॉल भी अटेंड कर रही हूँ। अभी टाइम नहीं था मेरे पास, तो अभी फ़ोन भी बात कर लेती हूँ। तो गाइज़ अभी मेरा ब्लॉग एंड करने का भी टाइम हो गया, क्योंकि अभी